आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। खबर नौगांव से है, जहां सांप दर्द से युवक की मौत। खबर लगते ही साली ने लगाई फांसी। जीजा के छोटे भाई की मौत की खबर सुन साली ने भी लगाया मौत को गले, फांसी लगा कर की खुदकुशी। बता दें कि नौगांव के ग्राम अलीपुरा में 25 तारीख की रात में घन प्रसाद कुशवाहा को सांप ने काटा। पहले उसे झाड़फूंक करवाने ले गए, उसके बाद उसको नूना हरपालपुर मऊ कांड के पास नूना ले गए। जब वहां पर झाड़फूंक करने से आराम नहीं लगा तो फिर उसको रतनगढ़ की माता के पास ले गए। वहां पर उसने स्नान किया, फिर परिक्रमा लगाई, वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद उसको झांसी हॉस्पिटल लेकर आए, वहां पर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कल रात भर बॉडी को घर पर रखा, जिसे सांप ने काटा था, शायद जीवित हो जाए। जब नहीं हुआ तो सुबह पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं जीजा के भाई धन प्रसाद कुशवाहा की मौत की खबर सुनकर साली कमलेश कुशवाहा उम्र 19 साल ने सुबह 11 बजे अपने दुपट्टे से पंखे पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतिका कमलेश कुशवाहा का भी पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या नाम है आपका? बच्ची की आप कौन है? बच्ची ने सुसाइड कर ली है, क्या कारण है, क्यों कर ली है? कारण ये है कि अलीपुरा में जो उनके मालूम बहन है, उनकी बड़ी उसकी देवर है, तो उनको काटा सड़क में, ठीक है। सड़क के कारण वो मौत हो गई। मौत होने के बाद उन्होंने सुनी कि मौत हो चुकी है, तो उसी कारण गंभीर जो आज समझ लो उसी कारण सुनी। घर पर कोई नहीं था, छोटा भाई था, वो जो भतीजा था बड़ा हेमंत, तो उसको बताओ छोटे भाई ने कि कमलेश दीदी ने वो फांसी लगा दी। इसकी जानकारी फिर कहाँ दी आप लोगों ने? जानकारी हम लोगों ने दी कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, भगे आओ तुम, खत्म हो चुके हैं। हम वैसे पिताजी थे अलीपुरा के थे, मान लीजिए सरफ ने काटा था, उनका पोस्टमार्टम करवा रहे थे, उनने सुनी तो जी। आपका क्या नाम है? चरणदास कुशवाहा। कहाँ के निवासी हैं? अलीपुरा। क्या हो गया आपके भाई के साथ? रात के एक बजे सांप ने काट लिया। फिर? फिर गफुन घर वाने गफुन रतनगढ़ गए और झांसी में दिखवाया। मृत घोषित कहाँ किया गया? रात को 6 बजे झांसी में। फिर वहाँ से लेके कहाँ है? फिर पुलिस को सूचना दी। क्या नाम था भाई का आपके? धन प्रसाद। शादी हुई है क्या उसकी? कितने वर्ष का था वो? 22।